कड़ी। तो कड़ी के लिए सबसे पहले हम दो मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, एक टुकड़ा बड़ा अदरक का लिया है, और 7 से 8 लहसुन और 4 हरी मिर्च लिए हैं। इन सबको पहले हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये हमने मसाला चॉपर में चॉप कर लिया है। ये हमने कढ़ाई ले लिया। इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे। और अब इसमें सबसे पहले हम राई डालेंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, और ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता हमारे पास छोटा था तो हमने 4 पीस ले लिए, अगर बड़ा हो तो आप 2 लीजिएगा। और ये 2 लाल हरी मिर्च, इसको स्लो गैस पे थोड़ा थोड़ा लाल कर लीजिए। अगर तेज गैस पे करेंगे तो मिर्चें एकदम से काली हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। थोड़ा स्लो गैस पे आपने इसको रोस्ट करना है। ये हमने रोस्ट कर लिया थोड़ा सा। अब जो हमने प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का ये चॉप करके रखा था, इसको हम इसे अब थोड़ा सा स्लो गैस पे या मीडियम गैस पे हमने इसको लाल करना है प्याज लहसुन अदरक, ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब हम कड़ी के लिए दही और बेसन का मिक्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 200 ग्राम के करीब दही है, इसको वही जिसमें हमने चॉपर में मिक्स किया था प्याज वगैरह, इसी में डाल रहे हैं। और इसमें हम 1 चम्मच बेसन और ये 2 चम्मच बेसन, क्योंकि हमारे सिर्फ 200 ग्राम है तो हमने इसके लिए 2 चम्मच बेसन लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डाल सकते हैं। हल्दी, ये हल्दी 1/2 चम्मच है। लाल मिर्च भी 1/2 चम्मच है। और ये गरम मसाला है 3/4 स्पून। और ये एक मेरा मसाला है, इसमें मैंने हींग है, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, खड़ा धनिया, ये सब मैंने मिक्स करके रखा था, वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने दही, बेसन, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, ये सबको मिक्स कर लिया है हैंडी में, अब इसे मैं, मेरे प्याज लाल हो गए हैं, उसमें डाल रही हूँ। ये भी गाढ़ा है, इसमें पानी डलेगा, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पानी डाल दें, ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। पानी आपको इस हिसाब से डालना है कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कितना गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। तो अभी इसमें पानी और डलेगा क्योंकि थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है ये। पानी थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा क्योंकि अभी जब पकेगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, और फिर जब पकौड़े डालेंगे तो उसके बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम गैस थोड़ा सा तेज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से उबल जाए। जब ये उबल जाएगी फिर हम स्लो गैस कर देंगे, ताकि इसको 10-15 मिनट 20 मिनट इसको उबलने देंगे स्लो गैस पे, ताकि अच्छे से पक जाएगी। अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उधर अभी कड़ी उबल रही है, उसको लगेंगे 15-20 मिनट, 1/2 घंटा, अच्छे से उबल जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसन डाल रहे हैं पकौड़ों के लिए, ये हमने डाला है 4 चम्मच डाल रहे हैं।
इसमें नमक डाल रहे हैं, आधे से थोड़ा ज्यादा नमक है। और ये लाल मिर्च, लाल मिर्च भी आधे से थोड़ा ज्यादा है। अब इसका एक बैटर बना लेंगे, पहले ऐसे मिक्स कर लेते हैं, अभी बैटर बना लेते हैं। कुछ लोग इसे चम्मच से करते हैं, बट मेरे ख्याल से हाथ से करना ज्यादा बेटर रहता है, लम्स अच्छे से उसमें टूट जाते हैं हाथ में से अच्छे से कर करके। पहले थोड़ा सा कम डालना है इसको, थोड़ा गाढ़ा रखना है, अच्छे से लम्स को अच्छे से क्लीन करना है। अगर अदरवाइज आप इसको छान भी सकते हैं, पहले छाने उसके बाद इसको डालें। बेसन छानने के बाद अगर डालेंगे तो फिर लम्स भी नहीं रहेंगे, तो मैंने छाना नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा लम्स है, तो मैं इसको हाथ से ऐसे करके कर लूंगी। ये हमने बना लिया है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए इसका। अब इसमें मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लंबे लंबे काटे हैं, पतले लंबे, तो वो मैं अब इसमें डाल रही हूं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी कढ़ी में उबाल आ गया था, अब इसको हमने स्लो कर दिया, अब स्लो गैस पे धीरे धीरे पकती रहेगी। अब कोशिश करिए कढ़ी को धीरे बार बार हिलाते रहिएगा, नहीं तो इसमें जो लम्स लग जाते हैं। और अब इसको स्लो गैस पे इस कढ़ी को हमने कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा अच्छे से पकानी है। ये इधर हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें पकौड़े तलेंगे। अभी शुरू में पकौड़ों को हमने डाला है, तो थोड़ा सा गैस को तेज फुल पे कर देंगे और इनको जो नीचे नीचे थोड़ा सा लग जाते हैं धीरे धीरे से नीचे से उठा लेंगे, ताकि नीचे एकदम से चिपक ना जाए। और इनको एक बार इनको ज्यादा हिलाना नहीं है, अब आप इसको तेज गैस पर थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा रेडिश करने हैं, क्योंकि जब कढ़ी में डलेंगे तो वो और ज्यादा आपको व्हाइट हो जाएंगे अपने आप, थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा, तो थोड़ा डार्क कलर में करना है आपने। अभी इनको हमने कढ़ी में नहीं डालना, क्योंकि अभी हमारी कढ़ी पकी नहीं है। और कड़ी मैंने अभी टेस्ट करी थी, थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच और नमक डाला है। तो आप इस लेवल पे अभी चेक कर सकते हैं कड़ी में नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है, क्योंकि पकौड़े डल जाएंगे इससे पहले आपने नमक मिर्च, अगर आपको कम लग रहा है तो आपने इसमें नमक मिर्च डालना है। बस इसको 5-10 मिनट और देंगे हम, पकौड़े हमने साइड कर दिए, रख दिए, और इसको 5-10 मिनट और देंगे, पक जाएगी, फिर उसमें हम पकौड़े डाल देंगे। इसके लिए अब हम एक तड़का तैयार कर रहे हैं ऊपर से, वो मैं कड़ी के लिए अभी हम ऊपर से डालने के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक करछी ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ी सी राई, ये करी पत्ता है, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता फ्रेश हो तो बेटर है, ये मेरे पास थोड़ा सा सूख गया है करी पत्ता, बट इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो भी ये भी हो जाएगा।
एक लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, ये सब हम डाल चुके हैं मगर ये थोड़ा तड़के में ऊपर से और डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये देही मिर्च है कलर के लिए, थोड़ा सा ऊपर तड़के में कलर अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डाला है मैंने क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने नमक मिर्च मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया, अब मेरा बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने तड़के के लिए कलर के लिए दही मिर्च डाली। गैस बंद कर देंगे अब इसको। ये कढ़ी तैयार हो गई है, अब इसमें हम डाल रहे हैं पकौड़े। अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ी खट्टी नहीं है तो आप इसमें एक या दो नींबू भी डाल सकते हैं काट के उसका जूस, या फिर आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। कई बार दही खट्टी नहीं होती तो दही अगर खट्टी नहीं है तो आप नींबू और अमचूर यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच अमचूर डाल दीजिए या एक या दो नींबू डाल लीजिए। ये हमने पकौड़े डाल लिए हैं, अब हम इसके अंदर ये जो हमने लाल तड़का बनाया था इसका ये डाल। अच्छा कलर लग रहा है इसका, ये हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। ये भी लग रहा होगा आपको पतली है, ये बट जब पड़ी रहेगी जब तक आप खाना खाने का टाइम होगा तब तक बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार है।